नहीं बन सका प्रसूति गृह मान खुर्द के महाराष्ट्र नगर में। मेरा नाम सुभाष देसाई है। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ महाराष्ट्र नगर में आज कम से कम 30 साल मैं यहाँ रहता हूँ। आज 30 साल के बाद मैं सुना देखा सब यहाँ जो रिजर्व जगह थी, आज रिजर्व जगह में यहाँ अस्पताल बनाया गया। बनाया गया इसका मतलब क्या है कि राहुल जवाली जी ने यह हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, एक लोकसभा का चुनाव देख के किया है और इसी लोकसभा के आगे चुनाव देख के जो बनाया बिल्डिंग उससे 17 नंबर में जो दवाखाना था वही यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कुछ यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आज रात को या दिन में कोई औरत अगर तकलीफ में आ जाए तो किसी यहाँ इलाके से शताब्दी जाना पड़ेगा या राजावाड़ी जाना पड़ेगा। और ये दोनों हॉस्पिटल इतने लंबे हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अगर इस रात में ऐसा कोई तकलीफ हो जाए तो हमारे लिए जल्द से जल्द ये नज़दीक मिलेगा। इसी आवाज़ से हम लोग ये देख रहे थे, लेकिन आज तक ये हॉस्पिटल का कोई भी प्रसूति सुविधा नहीं मिल रही है। और ये जल्द से जल्द इसी सरकार ने, आने वाले सरकार ने तो कम से कम ये सुविधा जल्द से शुरू करना चाहिए। यही हमारी महाराष्ट्र नगर के रहवासियों की राय है। मुंबई मानखुर्द के महाराष्ट्र नगर में प्रसूति गृह का उद्घाटन 8 महीने पहले स्थानीय सांसद राहुल शेवाली के द्वारा किया गया था। आज तक प्रसूति गृह का संचालन नहीं हो सका। महिलाओं को डिलीवरी के समय शताब्दी, राजवाड़ी, सायन रुग्णालय की ओर रुख करना पड़ता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका का महाराष्ट्र नगर में केवल एक रुग्णालय है जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या मरीज इलाज के लिए आते हैं। वहीं प्रसूति गृह का संचालन न होने से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कहीं न कहीं मनपा की उदासीनता दर्शा रहा। देखिए ये रिपोर्ट मुंबई मानखुर्द के महाराष्ट्र नगर की। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जगह जगह जो समस्याएं होती हैं उससे अवगत कराते हैं। आज इस महाराष्ट्र नगर के अस्पताल की बात अगर की जाए, रुग्णालय की बात की जाए, तो यहाँ प्रसूति गृह के नाम से ये जगह आवंटित की गई थी। इसके बाद इस भवन का यानी 6 मंजिले बिल्डिंग का निर्माण हुआ और प्रसूति गृह के नाम से दर्ज भी कराया गया, लेकिन जिसका उद्घाटन स्वयं स्थानीय सांसद जो कि राहुल शेवाला ने किया। इस उद्घाटन को करीब 8 महीने गुजर चुके लेकिन फिलहाल किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रसूति के नाम पर एक मजाक सा बना हुआ है क्योंकि प्रसूति के नाम पर तमाम महिलाओं को राजावरी या साइन अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं कहा जा सकता है BMC यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका की एक ज़बरदस्त लापरवाही सामने आ रही है। जिस अस्पताल के उद्घाटन को 8 महीने गुजर जाएँ इसके बावजूद भी किसी तरीके की वैद्यकीय चिकित्सा की व्यवस्था यानी गायनोकोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं की गई हो, ये अपने आप में कहीं न कहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका के उदासीनता को दर्शा रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष देसाई है। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ महाराष्ट्र नगर में आज कम से कम 30 साल मैं यहाँ रहता हूँ। आज 30 साल के बाद मैं सुना देखा सब यहाँ जो रिजर्व जगह थी, आज रिजर्व जगह में यहाँ अस्पताल बनाया गया। बनाया गया इसका मतलब क्या है कि राहुल जवाली जी ने यह हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, एक लोकसभा का चुनाव देख के किया है और इसी लोकसभा के आगे चुनाव देख के जो बनाया बिल्डिंग उससे
17 नंबर में जो दवाखाना था वही यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। इसके अलावा कुछ यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आज रात को या दिन में कोई औरत अगर तकलीफ में आ जाए तो किसी यहाँ इलाके से शताब्दी जाना पड़ेगा या राजावाड़ी जाना पड़ेगा। और ये दोनों हॉस्पिटल इतने लंबे है, कम से कम 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अगर इस रात में ऐसा कोई तकलीफ हो जाए तो हमारे लिए जल्द से जल्द ये नज़दीक मिलेगा। इसी आवाज़ से हम लोग ये देख रहे थे, लेकिन आज तक ये हॉस्पिटल का कोई भी प्रसूति सुविधा नहीं मिल रही है। और ये जल्द से जल्द इसी सरकार ने, आने वाले सरकार ने तो कम से कम ये सुविधा जल्द से शुरू करना चाहिए। यही हमारी महाराष्ट्र नगर के रहवासियों की राय है। बोला काय बोलते तुम? इतना कोनी येत नाही जात नाही आहे किंवा इथं हे आहे सिस्टर नाही तर मोठे मोठे डॉक्टर नाही तर इथं कुणी ही घेत नाही तर मंत्री नाही संत्री नाही कुणी येत नाही आहे। इथं कसं व्हावा डिलिव्हरी होत नाही काय नाही असले इथं डॉक्टर लोक तर डिलिव्हरी होते आलं तर माघारी जातात लोक। हां मग कसे इथं येणार लोक? इथं कुणी बी नाही आहे येणार बी नाही तर इथं कुणी हाय नाही बोलते तर माघारी पाठवतात। मग काय करायचंय? यहाँ अस्पताल के बारे में क्या कहना आपको? क्या मेरा तो यही कहना है, अस्पताल इतना बड़ा खुला है तो यहाँ पे सुविधा भी वैसी होनी चाहिए। डिलीवरी वार्ड बनना चाहिए, यहाँ से डिलीवरी के लिए शताब्दी जाते हैं। शताब्दी में सुविधा नहीं हुई तो सायन में भेजते, सायन में नहीं हुआ तो कैम्प में भेजते। डिलीवरी होते टाइम कब कब हो जाएगा पता नहीं, औरत मुसीबत में रहते। तो यहाँ पे नज़दीक है, बहुत सारे लोग यहाँ से शताब्दी जाते, तो यहाँ पे रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। वैसे डॉक्टर तो है, दवाई भी मिलती है, लेकिन नॉर्मल जैसा बुखार आया, सर दर्द है या पाँव में दर्द है, बदन दर्द है, वैसा इससे अच्छी सुविधा होगी तो बहुत अच्छा है और यहाँ के नागरिकों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बात बताइए, यहाँ अस्पताल खुला लेकिन अभी तक डिलीवरी का कोई काम नहीं होता है, इस बारे में आपकी क्या राय? नहीं होना चाहिए डिलीवरी वार्ड होना चाहिए, क्योंकि पूरे कॉलोनी इतनी बड़ी है तो औरतें कहाँ जाएंगी, इमरजेंसी में तो होना ही चाहिए था। लेकिन आप लोगों को किसी नेता से मिलना चाहिए ना कि यहाँ डिलीवरी का काम नहीं होता है। आएंगे तो मिलेंगे ना, नेता भी तो यहाँ आना चाहिए ना, नेता आएंगे तो मिलेंगे। नेता नहीं आते हैं अभी तक तो, हमने देखे नहीं इधर, आएंगे तो देखेंगे। पहली बात तो डायबिटीज़ की भी दवा नहीं मिल रही है यहाँ पे आजकल। 18 नंबर में दवा मिलती थी डायबिटीज़ की, यहाँ आए जब से तो डायबिटीज़ की दवा खरीद के खाना पड़ रहा है हम लोग को। और डिलीवरी की दिक्कत? हाँ डिलीवरी की तो दिक्कत है ही। तो डिलीवरी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? राजावाड़ी नज़दीक के तो यही हॉस्पिटल है, लेकिन इधर होना चाहिए डिलीवरी। इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है तो होना चाहिए, ज़रूरी है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे, महाराष्ट्र नगर का जो इलाका है वो बिल्कुल बहुधा जनसंख्या वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की समस्या है। स्वास्थ्य के नाम पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका से केवल एक ही अस्पताल आवंटित की गई है, जहाँ एक वैद्यकीय चिकित्सक द्वारा सैकड़ों मरीजों का रोज़ इलाज होता है। तो कहीं न कहीं कहा जाए प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ एक मजाक सा बना हुआ है। 8 महीने में उद्घाटन होने के बावजूद भी आज किसी तरीके की गायनेकोलॉजिस्ट की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।